राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ लाला और लाली की ड्रेस पे, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस इनके डालती हूँ ड्रेसेस के, तो बहुत से कमेंट आते हैं कि आप पूरा वीडियो बना के डालो। तो आज पहली बार मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी गर्मियाँ चल रही है, तो कॉटन वगैरह के सूट वगैरह पहनाने चाहिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को। तो पहले मैं, राधा रानी हमारी 4-5 नंबर की है, तो उनके लिए मैं कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। लंबाई लिए मैंने 34 इंचेस और चौड़ाई मैंने 5 इंचेस ली है। तो यहाँ पे 4 नंबर की राधा रानी के लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की लंबाई मैं ले रही हूँ 29 इंचेस और चौड़ाई ले रही हूँ 4 इंचेस, तो थोड़ा थोड़ा ही गेप है बस। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, थोड़ा लंबा लेते हैं तो अच्छे से घेर बन जाता है। राधा रानी की चोली के लिए यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 4 इंचेस और चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनकी चोली कटिंग कर ली है। और लाला की जो चोली है वो थोड़ी अलग तरह की बना रही, मतलब लंबाई में बना रही हूँ। तो दोनों ही डिफरेंट चोली है। तो लंबाई जो लाला की ली है मैंने वो है 7 इंचेस और चौड़ाई ली है 1.5 इंचेस। तो यहाँ पे जो 1.5 इंचेस इनकी चौड़ाई है चोली की। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद मैंने दुपट्टे का अलग से कटिंग लिया था, उसका आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो राधा रानी के हिसाब से। और लाला का जो मुकुट था उसका भी कटिंग किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो यहाँ पे उनके जो घाघरे हैं, जो लहंगे हैं, दोनों को अच्छे से सिलाई कर लेना है दोनों साइड से। और नीचे की जो साइड है उससे भी अगर आप गोटा लगाना चाहते हो कॉटन का तो लगा सकते हो, क्योंकि अभी कॉटन की ड्रेसेस गर्मियाँ चल रही है तो वो अच्छी रहती है। इस पर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो मेरे पास कॉटन की लेसेस वगैरह अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। आप चाहे तो लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स दी है, जो लहंगे में प्लेट्स दे देनी है। यहाँ पे मैं 2-2 इंचेस या 1.5 इंचेस का गेप लेके आप इसमें अच्छे से प्लेट्स दे दो, एक जैसी प्लेट्स होनी चाहिए। इससे क्या होता है हमारा घेर बहुत ही प्यारा बनता है। तो यहाँ हमारे लाडली का जो घेर है वो बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस में आपको जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनका भी लहंगा बना लेना है। ऊपर की साइड आपको देनी है प्लेट्स। तो यहाँ पे दोनों का जो लहंगा वो बनके तैयार हो गया। अभी लाडली की जो चोली है वो इस तरह से बना रही हूँ मैं, दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है। उसके जो उनकी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों की जो फोल्डिंग है कपड़ा वो फोल्डिंग में ले रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है। और यहाँ पे जो उनके नाड़े होते हैं ऊपर वाले, उनको बनाने के लिए कपड़ा कटिंग कर लेना है। दोनों ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड मैंने यहाँ पे नाड़े लगाए हैं। तो पहले मुझे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की ड्रेसेस बनानी ही नहीं आती थी, बट थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब पे देखे थे। और थोड़े बहुत वो बोलते हैं ना, हम अगर श्रद्धा से बनाए तो हमारे कान्हा जी राधा जी अपने आप साथ देते, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी उनके लिए पोशाकें वगैरह बनानी सिखा दी, मुझे कहाँ बनानी आती थी यार। तो यहाँ पे मैंने उनकी लाडली की जो चोली थी वो बना दी है। अब ऊपर की साइड जहाँ हमारा कमर का नाड़ा होता है उसके लिए आपको जो लहंगा है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि बांधने के लिए चाहिए होगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे बिना नाड़ा बनाए आप इसमें रबड़ वगैरह या फिर कोई और दूसरा अच्छे से नाड़ा डाल सकते हो। मैं अटैच करके फिर नाड़ा बना रही हूँ, इससे भी अच्छा होता। मुझे सबसे ज़्यादा यही ड्रेसेस बनानी आती है और मुझे अच्छी भी लगती है, उनको फिट आती है, तो मैं इस टाइप की ड्रेसेस बनाती हूँ। धोती भी मैंने 1-2 बार बनाई है लाला के लिए, और जो उनकी चोली होती है वो थोड़ी डिफरेंस बना देती हूँ कभी कभार, बट लहंगा मैं इनका ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो लाला का जो चोली है वो यहाँ पे मैंने एक साइड से सिलाई दे दी है, और जो उल्टा कपड़ा था उल्टा करके सिलाई देनी है, फिर सीधा कर लेना है। उसको आप ऐसे फोल्ड कर लो और फोल्ड करके फिर वापस उल्टा करके अच्छे से सिलाई दे देनी है। ये थोड़ा मैं लंबाई ले रही हूँ कपड़ा, क्योंकि ये जो चोली होगी वो हमारा लहंगा है उसके पीछे की साइड अटैच होगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ही लिया है। लाला का जो भी आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप सर का वो ऊपर से सिलाई दे सकते हो उतना। यहाँ पे मैं पीछे की साइड पे लगा रही हूँ, ज़्यादातर आगे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो जहाँ पे इनका नाड़ा लगा है वहाँ पे भी आप इसको सिलाई मार सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग बना रही हूँ, तो पीछे की साइड मैंने सिलाई लगा के और फिर यहाँ पे उनका जो चोली है वो अटैच कर लिया है। और ये यहाँ पे दुपट्टा भी मैंने सिलाई करके उनका बना दिया था। तो इसी कपड़े से लाला के लिए मैं मुकुट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, ये वाला मैंने साइज़ नहीं लिया था, अपने हिसाब से ही ले लेती हूँ मैं कभी कभार कपड़ा। तो यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस से जो हमारी चोली बनाई थी लाला के, वैसे ही आपको कटिंग करके सिलाई मार लेना है पीछे की साइड और उसको सीधा कर लेना है। उसके बाद जो लाला का साइज़ है सिर का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने फोल्ड करके
ऊपर की साइड, दोनों की साइड ऊपर, दोनों साइड फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो ये वाला कभी जो लाला और लाली का, जो मैं लाली का भी मुकुट बनाती हूँ, उसका भी बहुत जन कमेंट करते हैं कि ये कैसे बनाते हो, तो वो भी मैं कभी शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी। ये मैंने पहली बार लॉन्ग वीडियो बनाया है क्योंकि इतना वॉइस ओवर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड, दोनों की साइड मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है लाला के मुकुट के लिए, और आगे आपको मैं पहना के भी बताऊँगी उनकी ड्रेस कैसे पहनाते हैं। तो यहाँ पर इनकी दोनों की ड्रेस बन के तैयार है और ये हमारे लाला लाली भी यहाँ पर आ चुके हैं और इनको हम अभी ड्रेसेस वगैरह पहनाएंगे। और ये हमारी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनके तैयार है और बहुत सुंदर लग रही थी लाली और लाला पे। आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे, हरि बोल।